तो गाइस तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैपकोर माइनिंग जो ऐप थी उसका विड्रॉल 15 अगस्त से शुरू हो चुका है, लेकिन काफी लोग अभी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि गैस फी में जो कोर है उसको कहां से विड्रॉल करें, या फिर फोन में थोड़ा अलग प्रोसेस है, पीसी में अलग प्रोसेस है, तो एक्चुअल में हमें करना कैसे है। अब ये सारी चीज होगी मेटामास्क के अंदर। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे इजी तरीका आपका, अगर आपको चाहिए आपको मेटामास्क आपके फोन में या फिर पीसी में एज ए एक्सटेंशन रखना पड़ेगा, जो कि काफी इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट आपको मेटामास्क सर्च करना है और सीधा आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और वैसे अगर आप फोन में कर रहे हो तो मेटामास्क एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आप उस पर अपना वॉलेट वगैरह क्रिएट कर लो। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सब में सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा वो मैं साइमल्टेनियसली आपको बता दूंगा कि फोन में कैसे होगा और पीसी पर कैसे होगा। बाकी काफी लोगों ने कर भी लिया है विड्रॉल ऑलरेडी, तो जैसे कि आप देख सकते हो अगर पीसी में आप हो तो kcore.io जैसे वेबसाइट पे आप जाते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। मेरे माउस पॉइंटिंग पर आप ध्यान रखना ताकि आपको काफी क्लियरली तरीके से समझ में आ जाए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो बीच बीच में जहां पर भी आपको लगे कि यार समझ में नहीं आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फाइनली मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगा उधर ही कि आपको क्या क्या स्टेप 1 2 3 करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका आराम से हो जाएगा। अभी भी टाइम है, काफी टाइम तक अभी पड़े भी रख सकते हो आप इसमें टोकन। ऐसा नहीं है कि फटाफट हमें लेना ही पड़ेगा विड्रॉल, ऐसा भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर जब जाते हो 3 लाइंस पर, यहाँ पे आप एयरड्रॉप पे क्लिक करो तो उसके बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जहां पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे एयरड्रॉप पर तो आपसे ये लॉगिन आईडी और जो आपका पासवर्ड होगा, जो आपका यूजर नेम रहा होगा, जो आप जिसमें आप माइनिंग कर रहे थे ऐप के अंदर या फिर वेबसाइट से भी कर रहे थे, तो आपका जो यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो डालने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। फोन में भी ऐसा ही दिख रहा है लगभग, बस थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है। ये इम्पोर्ट कोड चेन टू मेटामास्क, इम्पोर्ट एक टोकन टू मेटामास्क, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे दिखता है, इस ब्लॉक के नीचे आपको नजर आता है, ठीक है। जैसे ही आप अगर पीसी में कर रहे हो तो सीधा आप कनेक्ट वॉलेट पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में सीधा ये कनेक्ट हो जाएगा आपके मेटामास्क से। अगर नहीं भी हो रहा है तो उससे पहले ये है कि कई लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सिंपल से रीजन है कि आपके जो मेटामास्क है वहां पर जो कोर चेन है वो अभी तक एड ही नहीं है, तो आपको कनेक्ट वॉलेट करने से भी पहले ये काम करना है। जैसे आप इम्पोर्ट कोर चेन टू मेटामास्क पे क्लिक करोगे तो ये जो कोर चेन है, ये जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, आप देख सकते हो मेरा मेटामास्क जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो कोर चेन है ये ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर रखी है। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपली कि जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोनों चीजें आप यहीं से ऐड कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हो कोर चेन जो है वो भी यहाँ पर ऐड है, और केक टोकन जो कि मैंने विड्रॉल भी लिया था यहाँ से 5027 केक टोकन का, वो भी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों पर क्लिक करोगे और अप्रूव कर देना, क्योंकि वो जो थोड़ा पॉपअप है वो इसके अंदर शो होगा, वो अप्रूव करने के बाद में ये कोर चेन वहाँ पर ऐड हो जाएगी। और ये चीज आप मेक श्योर कर लेना, जो कोर चेन है वो आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए मेटामास्क में, चाहे वो फोन में हो चाहे कहीं भी हो। जैसा कि ये देखो कोर अभी 0 कोर दिखा रहा है, और जो ये एड्रेस है ये भी कोर चेन का ही है, यहाँ से भी आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हो कि ये कोर चेन ही सिलेक्टेड हुआ पड़ा है। अब देखिए जो लोग फोन में कर रहे हैं उनको क्या करना है, मेटामास्क ऐप के अंदर जाना है और वहां पर जो ब्राउजर का ऑप्शन जो कि यहाँ पर कहीं नजर आता है, जैसे अगर इसको फोन स्क्रीन माने तो यहाँ पर कहीं नजर आता है, तो उसी पे आपको क्लिक करना है और जो ये वेबसाइट है kcore.io उसके अंदर सर्च करना है, ताकि वो वेबसाइट आपकी जो मेटामास्क का ब्राउजर है उसी के अंदर ओपन हो, और ये दोनों प्रोसेस आप वहां पर भी कर सकते हो डायरेक्टली, काफी इजीली हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ये कोर चेन वहां पर अपडेट हो जाएगा या फिर वहां पर ऐड हो जाएगा तो उसके बाद में आपको कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, और ये जैसे आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तो आपको इस तरह का एड्रेस भी यहां पर नजर आएगा। यहां पर मैंने विड्रॉल ऑलरेडी ले लिया है तो यहां पर विड्रॉल दिखा रहा है, बट जिन्होंने नहीं लिया होगा उनके यहाँ पर टोकन जो भी माइन किए होंगे वो दिख रहे होंगे, और यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जैसे आप विड्रॉल पर क्लिक करोगे अप्रूव करके आप सीधा ले सकते हो, बट यहाँ पर भी एक है पॉइंट, वो ये है कि यहाँ से विड्रॉल ले तो ये सारा कुछ कर ले रहे हैं सब लोग, मोबाइल पर भी कर ले रहे हैं यहाँ पर भी, बट पॉइंट है कि एक थोड़ी सी गैस फीस, काफी माइनर कुछ पैसे 25-30 पैसे के आसपास माइनर गैस फी लग रही है, लेकिन वो कोर टोकन के रूप में लगेगी, यानी कि आपके पास कोर जो चेन है उसका जो नेटिव टोकन है वो होना ही चाहिए, क्योंकि गैस फी वो उसी के रूप में लगने वाली, उसी के फॉर्म में लगने वाली है। तो बस सबसे बड़ा चैलेंज यही आ जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कोर कॉइन जो है या कोर टोकन कह लो तो उसको का मतलब अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। उसका एक सोल्यूशन है सिंपल सा कि काफी छोटे से छोटा अमाउंट आप OKX एक्सचेंज, जो कि काफी नामचीन एक्सचेंज है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और अपने बायनेंस या किसी भी अकाउंट से कुछ भी जो भी माइनर सा आप 1 TRX 2 TRX कितना भी आप डाल लो या कुछ भी वहां पर आप उसको कन्वर्ट कर लो। जैसे कि बायनेंस में कन्वर्ट ऑप्शन आता है, आप कोर टोकन वहां पे आपको मिल जाएगा, जैसे आप सर्च करोगे तो उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए। आप मिनिमम 0.10 भी आप सेंड कर सकते हो, यानी कि 1-2 रुपये का कोर टोकन भी आप सेंड कर सकते हो, जो कि काफ़ी बड़ी बात नहीं है। आप सिंपली मेटामास्क का जो आपका एड्रेस रहेगा इसका कोर जैसे चेन आप ऐड कर लोगे
उसके बाद में आपको ये जो कोर टोकन दिखाई दे रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है, या फिर जो ये एड्रेस है इसी को कॉपी करके इसको इस पर आपको कोर कॉइन सेंड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने खुद ने भी एक कोर कॉइन सेंड किया था यहाँ पर और वापस से उसको ट्रस्ट वॉलेट में डाल दिया है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, काफ़ी माइनर फीस लगेगी, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका विड्रॉल नहीं होगा। इसके अलावा डेलीगेट या जो भी कई लोगों ने स्टेकिंग वगैरह पर लगाया हुआ है तो सब में कुछ ना कुछ माइनर गैस फी लगेगी ही लगेगी, जो कि कोर कॉइन के फॉर्म में लगेगी, ये वाला जो कोर है। तो ये आपके पास होना चाहिए, आपको सिंपल ये सर्च करना है ओके एक्स एक्सचेंज पर जाकर। अगर आप यूज़ नहीं करते तो यूज़ कर लीजिए, सिर्फ कम से कम इस एड्रॉप को लेने के लिए कर लीजिए, क्योंकि ये विड्रॉल के लिए तो आपको डेफिनेटली वो करना ही पड़ेगा। जैसे ही ये चीज़ अगर आपके पास है थोड़ा सा भी, ये आपको खुद पता चल जाएगा, आप एक भी कर सकते हो फॉर सेफ्टी, $1 के आसपास इसका प्राइस है, थोड़ा कम ही है, तो उसको आप यहाँ पर पहले ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद में आप जैसे विड्रॉल पर क्लिक करेंगे ये सारी प्रोसेस करने के बाद में, तो एक ही झटके में आपका वो सारा विड्रॉल हो जाएगा और विद इन फ्यू सेकंड्स आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट भी होने लग जाएंगे। मोबाइल में आपको सिंपल सी ये सारी जो चीज़ें थी, जैसे कि ये इम्पोर्ट कोर चेन और केक टोकन, ये सारा कुछ आप वहीं के ब्राउजर से ही कर सकते हो। जैसे आप ब्राउजर पर जाओगे सपोज, तो वहीं से आप इस चीज़ को एक्सेस कर पाओगे, और जैसे ये सारी चीज़ आप मोबाइल पर कर लोगे तो वहाँ पर भी आपको सेम वही कोर टोकन आपके पास होना ही चाहिए। कनेक्ट वॉलेट आप वहाँ पर करोगे और विड्रॉल पर ही आपको क्लिक करना है, सिंपली आपके अकाउंट में ये सारे के सारे आ जाएंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें आप इंपोर्ट कर लेना, यहीं से डायरेक्ट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। और इसके बाद भी अगर आती है तो आप ट्विटर पर DM कर दीजिए, मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट और स्टेप 1, 2, 3 तीन स्टेप में काम हो रहा है तो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर भी बता दूंगा। आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा, चाहे वो फोन पे हो चाहे PC पे हो, ये सिंपल सा प्रोसेस था। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी कर भी लिया, लेकिन कुछ एक दो लोग बचे हैं जिनके मैसेज मुझे मिले थे, तो यही एक मेन चीज़ थी, ज़्यादातर लोगों को गैस फी का ही प्रॉब्लम आ रहा था। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।